गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिनोनिम्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सिनोनिम्स का मीनिंग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हिंदी में जिस तरह से पर्यायवाची शब्द होते हैं, इंग्लिश में उसी तरह से जो सिनोनिम्स वर्ड होते हैं उन दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है। तो जो मीनिंग हमको, दोनों सिमिलर मीनिंग होते हैं और उसका मीनिंग एक ही निकलता है, तो वो सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। तो आपके चैप्टर में बहुत सारे सिनोनिम्स वर्ड लिखे हुए हैं, जो आई होप कि आपने देखे होंगे अपने प्रीवियस वीडियो में। जो सारे वर्ड्स पढ़े थे आपने अच्छे से रीड किए होंगे और धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा कि 5-5 वर्ड्स करके उनको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको वो सारे लर्न हो जाएंगे। अब देखते हैं, हम हमारा आगे से कंटिन्यू करते हैं कि हमारे कुछ वर्ड्स और बाकी रह गए थे सिनोनिम वर्ड्स, तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अटेंशन, AETENTION, अटेंशन। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा कंसीडरेशन, CONSIDERATION, कंसीडरेशन। और इन दोनों मीनिंग्स का जो अर्थ होगा वो होगा ध्यान, अटेंशन एंड कंसीडरेशन। ये सिनोनिम वर्ड है और इसका मीनिंग होगा ध्यान। अब देखिए, इसी तरह से हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ZEAL, ZEAL, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा, देखिए, ENTHUSIASM, enthusiasm। तो इसका जो मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग, वो होगा उत्साह। नेक्स्ट हम देखते हैं HONOUR, ऑनर, ऑनर, और इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा रिस्पेक्ट, और जिसका हिंदी मीनिंग होगा आदर। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अटेंटिवली, ATENTIVELY, अटेंटिवली। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा केयरफुली, जिसका हिंदी मीनिंग होगा ध्यान से, ध्यानपूर्वक। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है FOOLISH, फुलिश, और इसी का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा अनवाइज, जिसका मतलब होता है मूर्ख। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा लकी, और जिसका हिंदी मीनिंग होगा भाग्यवान। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेली, DAILY, डेली, जिसका सिनोनिम वर्ड होगा एवरीडे, EVERYDAY, और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा प्रतिदिन। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है ACHEK, और जो इसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम वर्ड है, वो होगा हमारा पेन, और जिसका हिंदी मीनिंग होगा दर्द। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गिवअप, GIVE, गिव, UPUP। अब देखो, ये वर्ड हमने कंपाउंड वर्ड पढ़े हुए ना, तो उसको भी साथ में ध्यान रखो आप, गिव अप, ये टू वर्ड्स मिलके न्यू कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तो इसको हम एक साथ कंपाउंड वर्ड, एज ए कंपाउंड वर्ड बोलेंगे गिव अप। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, इसका सिनोनिम वर्ड देखते हैं पहले लिव, और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा छोड़ना। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इफेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनर वर्ड आपके रिपीट हो चुका है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टली, SOFTLY, सॉफ्टली, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा जेंटली, GENTLY, जेंटली।
और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा हल्के से। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं हम, मैसिव, एम ए डबल एस आई वी ई, मैसिव। इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा लार्ज, और इसका हिंदी मीनिंग होगा बड़ा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं ट्रेडिशनल, इसका सिमिलर वर्ड होगा कन्वेंशनल, सी ओ एन वी ई एन टी आई ओ एन ए एल, कन्वेंशनल, जिसका हिंदी मीनिंग होगा परंपरागत। नेक्स्ट हम देखते हैं टी यू आर एन, टर्न, टर्न का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा ट्विस्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा मोड़। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं एम आई एस ई आर ए बी एल ई, मिजरेबल, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा पी ए टी एच ई टी आई सी, पैथेटिक, जिसका हिंदी मीनिंग होगा दयनीय। अब हम हमारा लास्ट वर्ड देख लेते हैं, हमारा लास्ट वर्ड है अनकॉन्शियस, यू एन सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस, अनकॉन्शियस, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा अनअवेयर, जिसका मीनिंग होगा हिंदी मीनिंग बेहोश। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इतने सारे वर्ड्स देखे थे सिनोनिम वर्ड, और इस वीडियो में भी हमने इतने सारे सिनोनिम वर्ड देखे हैं। तो अब आपको इनको खुद प्रैक्टिस करके लर्न करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके इनको रीड कीजिए, लर्न कीजिए, तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस कल क्लास में हम लोगों ने 2.1 स्टार्ट करी थी, सेकेंड चैप्टर था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सेकेंड चैप्टर में 2.1 तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, जो है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग बुक ओपन करके बैठना और देखना कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ देयर वर 185 बॉयज़ एंड 162 गर्ल्स इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या है जगह का नाम? उदय व्यास, ठीक है। तो क्या करना है इसमें आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है आपको, किसकी संख्या दे रखी है, बॉयज़ की दे रखी है और गर्ल्स की दे रखी है, और पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या करना है इसमें आपको, सामने पता चल रहा है टोटल नंबर पूछा है, तो आपको इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे एडिशन। अब कैसे करना है, विथ लैंग्वेज के साथ करना है। तो मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10, इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन, मैं नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मैंने, आपको इसमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमारे पास दिया क्या है, पहले तो वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, तो लिखिया मैंने बॉयज़ हैं हमारे पास में 185, है ना। अब गर्ल्स की कितनी है हमारे पास, तो जी गर्ल्स हैं हमारे पास में 162 गर्ल्स हैं। अब पूछा क्या है आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नीचे लिखेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, टोटल बताना है स्टूडेंट्स कितने। तो सिंपल सा इसमें एडिशन आएगा, तो हम लोगों को ऐड का सिंबल लगाना है और इसको ऐड करना, कीजिए 5 + 2 कितना होता है, 5 के बाद 2 काउंट कीजिए, 6, 7, तो ये आ गया हमारा 7, 8 + 6 कितना होता है, 8 के बाद 6 काउंट कीजिए, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का क्या आ जाएगा 4, कैरी आया 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया हमारा 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 347, ये क्या आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपको खुद करना है सेल्फ, तो कैसे करना है उसको मैं रीड कर रही हूँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इफ़ देयर वर 225 प्लांट्स रोजेज। आपको इसमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपको बताना है, टोटल प्लांट्स कितने हैं, तो इसमें आपको दे रखा है 225 प्लांट्स किसके हैं, रोजेज़ के, गुलाब का फूल है ना उसके प्लांट्स हैं। 156 प्लांट्स किसके हैं, मैरीगोल्ड के, मैरीगोल्ड पता है सब लोगों को क्या होता है, ठीक है।
फूल का नाम है, और 178 प्लांट्स किसके, जैस्मिन के, ठीक है, जैस्मिन का जो फ्लावर होता है उसके प्लांट्स हैं। तो आपको क्या है, तीन टाइप के प्लांट्स दे रखे हैं, रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड। आपको बताना क्या टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। टोटल पूछा है तो क्या करना है इसमें आपको, एडिशन, ठीक है। तो आप कैसे, अब लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं वो मैं समझा देती हूँ आपको। आपको लिखना होगा प्लांट्स ऑफ रोजेस जितना है उतना, फिर प्लांट्स ऑफ मैरीगोल्ड जितना दे रखा है वो, और प्लांट्स ऑफ जैस्मिन जो दे रखा है वो, और उनको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स करके ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे होमवर्क में, 11th क्वेश्चन। मैं अब पढ़ रही हूँ 12th क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या है, गीताज फादर इज़ अ, यहाँ पैट सेलर लिखा है, आपको पोर्ट करना है ना, पोर्ट सेलर है, पोर्ट का मतलब होता है गमले वगैरह बनाना, है ना। तो गीताज फादर इज़ अ पोर्ट सेलर इन अ हार्ट मार्केट, एक मार्केट है जहाँ पे गीता के पापा क्या करते हैं, पोर्ट बना के बेचते हैं, ठीक है। लास्ट संडे ही मेड 523 पोर्ट्स इन विच 484 पोर्ट्स वर सेल या सोल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, संडे को उसके पापा ने 523 पोर्ट्स बनाए और उन्होंने इसमें से 484 पोर्ट्स क्या किए, सेल कर दिए, मतलब बेच दिए। तो फाइंड द हाउ मैनी पोर्ट्स डज ही हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पोर्ट्स बचे। तो इसमें क्या पता चल रहा है, क्या करना है इसके अंदर, इसमें हमें करना है सब्ट्रैक्ट, जितने पोर्ट्स बनाए उसमें से जो पोर्ट्स बिक गए, तो अब पोर्ट्स कितने बचे उसके पास, उसके पापा के पास में, है ना, किसके, गीता के फादर के पास में, तो वो हमको बताना है। तो कैसे क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेल्फ करना है, बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 लिख रही हूँ मैं अब। देखिए क्या है इसकी लैंग्वेज, कैसे लिखेंगे, गीताज फादर पोर्ट सेलर एंड इसने बनाए, ही हैड मेड बनाए 523 पोर्ट्स, तो यहाँ लिख सकते हैं ही मेड, ही की जगह कौन है, गीताज फादर है ना, तो ही मेड पोर्ट्स। अब उसने कितने पोर्ट्स बनाए, पहले तो वो डिजिट लिख लीजिए, कितने बनाए थे, 523 पोर्ट्स, है ना। फिर ही सोल्ड, अब उसने बेच दिए, कितने बिक गए, उसमें से बिके हमारे 484 पोर्ट्स बिक गए। तो सिंपल सा हमें पता है क्या है, अब ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने बचे, अभी उसके पास कितने हैं, तो क्या करेंगे इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाइए, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, तो 3 का कितना बनेगा, 13, 2 का कितना बन जाएगा, 1, 13 में से 4 गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ये आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 13 में से 4 गया तो हमारा बच रहा है 9, 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कर सकते हैं, नहीं, तो क्या करेंगे, बोरो लिया हम लोगों ने, 11 बना, यहाँ बन गया 4, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 3। आपको रफ में साइड में सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ठीक है, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 0। तो ही हैव नाउ, अब उसके पापा के पास कितने टोटल पोर्ट्स बचे, ही हैव नाउ 39 पोर्ट्स, ये उसके पापा के पास इतने गमले बचे, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, 10th, 11th, 12th तीनों ही नोटबुक में करने हैं, दो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, 11th वाला आपको सेल्फ करना है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 हमारा है, जो काउंटिंग दे रखी है वो हमारी हिंदी काउंटिंग के अनुसार है ना, तो हिंदी काउंटिंग पहले तो आपको आनी चाहिए, आपने प्रीवियस क्लास में हिंदी काउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें पहले आपको करना ये है कि आपको हिंदी काउंटिंग 1 से 100 तक आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का ये होमवर्क भी है कि 1 से 100 तक आपको हिंदी काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं, फिर आप उसके आगे खुद सेल्फ बना सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको 1 से 10 तक बता देती हूँ, आप लोगों को 1 से 100 तक लिखनी है अपनी नोटबुक में और फिर आगे करना है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको हिंदी काउंटिंग कैसे होती है, तो आप लोग 1 से 10 तक ही बता रही हूँ, है ना, मैं सेल्फ आप लोग लिखना, ये होता है हमारा 1, ये होता है हमारा 2, ये होता है 3, देन 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9 और देन हमारा आता है 10, ठीक है। ये हमारी 1 से 10 तक काउंटिंग है, इसके आगे आप सेल्फ बना सकते हो। 11 कैसे लिखोगे आप, 1 1 11, तो इसका क्या आ जाएगा, इस ये 1 और ये 1 11, फिर 12 कैसे लिख सकते हो,
ये वन और ये टू ऐड हो जाएगा 12। ऐसे करते करते आप लोग काउंटिंग लिख सकते हो, है ना। तो 1 से 100 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। 1 से 10 तक मैंने लिखे बता दिया आप लोगों को, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आपने प्रीवियस क्लास 4th क्लास में आपके बुक में थी भी सही काउंटिंग, हिंदी काउंटिंग, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका अब एडिशन एक मैं बता रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिए, फिर देन इसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट में बता रही हूँ, 2nd, 3rd, 4th जो है आपको चारों अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। एक में बता रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 13 का फर्स्ट है, ये हमारा है 8, ये हमारा 5, 7, 3, 2 एंड देन 4। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। कैसे करना है, ये क्या है हमारा 7, ये 7 था हमारा, 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 का क्या आ जाएगा 1, इसी लैंग्वेज में लिखना है। फिर कैरी गया हमारा 1, ठीक है। अब ये 1 + 5, 5 + 1 6, 6 में 2 को ऐड करो कितना आ गया 8, तो हमारा 8 कैसा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8, कैरी तो आया नहीं इसमें, ठीक है। अब 8 + 3, 8, 9, 10, 11, फिर से आया हमारा 11, तो ये हो गया हमारा 11। हिंदी नंबर के अनुसार है ना, ये मैंने 1 से 10 तक लिख दिए, आपको 1 से 100 तक अपनी नोटबुक में उतारना है, फिर उसके बाद जाके ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, आपके नेक्स्ट जो 3 बचेंगे वो आपको करना है 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन कर लिए हैं 10th, 11th, 12th और 13, ठीक है। तो ये जो जो मैंने होमवर्क में बताया है, 10th, 11th, 12th आपको अपनी नोटबुक में करना है, 13 के 4 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।